हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अर्चना क्रिएशन। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक जेंट्स स्वेटर का डिज़ाइन, जिसको आप फुल स्वेटर में डाल सकते हैं। ऑल ओवर पड़ता है ये डिज़ाइन, ये स्ट्रिप वाइज पड़ता है। लंबी लंबी ये आप धारियों जैसा दिखता है, ऐसे ऐसे स्ट्रिप में पड़ता है ये हमारा डिज़ाइन। इसको आप कार्डिगन में भी डाल सकते हैं और ऑल ओवर स्वेटर में बहुत अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स, देखते हैं हमको ये बिनाई कैसे बनानी है। ये पहला फंदा मैंने नॉर्मल सिलाई पे उतार लिया, और ये दो फंदे मैं आपको उतार के बता रही हूँ, मगर आपको बिनते समय नहीं उतारने हैं। तीसरे फंदे में आपको सिलाई डालनी है, यानी तीसरा फंदा आपका ये हुआ, और आपको ऐसे सिलाई डालनी है, आगे से सिलाई डालनी है, मगर ये फंदे उतारने नहीं है, आपको सिलाई पे ऐसे ही रखने हैं। ये मैंने तीसरे फंदे में सिलाई डाली, पीछे से सीधा निकाला, और उसके बाद ये दोनों फंदे पहले वाले बिन दिए नॉर्मल, और इसको उतार दिया। फिर ऐसे ही किया, तीसरे फंदे में सिलाई डाली, पीछे से बिना, इन दोनों को बाद में बिना, और तब फिर तीनों एक साथ उतार दिए। ये हर तीसरे फंदे में आपको ऐसे ही बनाना है, पहले और दूसरे फंदे को बाद में बिनेंगे, तीसरे फंदे को पहले बिनेंगे। ये ऐसे तीसरे फंदे में सिलाई डाली, सीधा जैसे बिनते हैं वैसे नॉर्मल बिना, और इन दो फंदों को बिना, और उतार दिया। फिर ऐसे ही ये पूरी हमको बिनाई, हर तीन तीन फंदों की बिनाई है, तो आपको ऐसे ही तीसरे फंदे में डाल के पहले और दूसरे को बिनना है। और जब आप इस स्वेटर बनाएंगे तो इसमें 3 के मल्टीपल में फंदे डालेंगे, और 2 फंदे एक्स्ट्रा रहेंगे आगे के लिए, एक एक्स्ट्रा और एक पीछे हमारा एक्स्ट्रा रहेगा, और आप 3 के मल्टीपल में फंदे स्वेटर में डालेंगे। ये हमारी पूरी रो ऐसे ही कंप्लीट होगी। उल्टी रो हमारी पूरी उल्टी चलेगी, कोई चेंज नहीं करना है उसमें। सारे फंदे नॉर्मल जैसे आप उल्टा बिनते हैं आपको वैसे ही बिनने हैं, सिर्फ सीधी सिलाई में हमारा ये डिज़ाइन पड़ता है, और ये डिज़ाइन हर सिलाई में पड़ता है, हर सिलाई पे आपको ये डिज़ाइन डालना है। ये उल्टी हमारी पूरी कंप्लीट हो गई, और जब हम सीधी सिलाई में आते हैं, ये सीधी सिलाई में आने में फिर हमको वैसे ही करना है। पहला फंदा नॉर्मल हम उतार लेते हैं, और वैसे ही तीसरे फंदे में सिलाई डाली, पीछे से सीधा बिना, दूसरे पहले फंदे को बाद में बिना, फिर दूसरा बिना, और इन तीनों को उतार दिया। ये बिनाई हमारी बस इस हर सिलाई में पड़ती है, और ऐसे ही एक सिलाई में पर सीधी सिलाई में पड़ती है, और उल्टी सिलाई आपको नॉर्मल बनानी है। बस इतना ध्यान रखना है कि जब आप तीसरे फंदे में सिलाई डालते हैं तो वो सिलाई फंदे के बीच से, यानी कि ये देखिए ऐसे इस सिलाई में जब डालते हैं तो ऐसे डाली जाएगी, ऐसे आगे से डाली जाएगी, ये ऐसे आगे से डाली जाएगी, जिससे वो फंदा भी हमारा बिन जाता है, और बाद में इकट्ठे हम तीनों फंदों को उतारते हैं। हर सिलाई का डिजाइन है, और बहुत ही इजी है बनाने में। उल्टी सिलाई में पूरी उल्टी चलती है, और सीधी सिलाई में आप ये डिजाइन डालते हैं। तीसरे फंदे को डाल के निकाला, पहले फंदे को बाद में बिना, दूसरे फंदे को बिना, ये हमारा 3 का 1 पट्टी हो जाएगी 3 फंदे की, और उसी पे डिजाइन हर बार हमारी पड़ती रहेगी। लास्ट का एक फंदा हमारा सीधा रहेगा, स्टार्टिंग का एक फंदा हमारा एक्स्ट्रा है, और लास्ट का एक फंदा, इसीलिए हमको ये मल्टीपल में फंदे डालने पड़ते हैं, जिससे हमारा डिज़ाइन पूरा पूरा आए। उल्टी सिलाई में कोई चेंज नहीं होता है, हमारी उल्टी सिलाई पूरी एज इट इज उल्टी चलती है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा पूरा ये बनने पे ऐसा स्ट्रिप में चलता है हमारा डिज़ाइन, और ये पूरा स्ट्रिप में ही पूरा ऑल ओवर स्वेटर में पड़ता है, और
ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है बनाने पे। तो ये आपको ऐसे ही बनाना है फ्रेंड्स। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दें और बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर दें, जिससे आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइमली मिलती रहे। थैंक यू फ्रेंड्स।